भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और भाजपा आईटी सेल हेड नवीन जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में अभद्र टिप्पणी की है, जिससे आहत होकर दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ आवाज बुलंद कर दोनों को कड़ी सजा की मांग की है। इसी प्रकरण में शुक्रवार को हिंगनघाट शहर के सभी मुसलमानों ने पुलिस में गुनाह दर्ज करने की मांग की और साथ ही उपविभागीय अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जिलाधिकारी को निवेदन देकर कड़ी सजा की मांग की है। हम तमाम हिंगनघाट शहर के मुख्य ओहदे, मस्जिदों के तमाम अहदेदार, ट्रस्टी, यहाँ पे आज उप विभागीय अधिकारी, तहसील कार्यालय हिंगनघाट में जो जमा हुए हैं, इसका मकसद ये है कि जो आज बीजेपी सरकार जो पूरे देश को बर्बाद करने जा रही है और वो भी एक मुस्लिम समाज को लेकर, अपने अपने जो आईटी सेल के और प्रवक्ता है उनसे कुछ भी बुलवा रही है और फिर उनको शांत करके बाहर निकाल देती है। अंदर से तो वो अंदर ही होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए बाहर है, पर हमारी ये सोच है और हमारा ये तजुर्बा है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हिंदुस्तान देश के तमाम नागरिकों को शांत करें, बस यही मेरी है। आज हमने हिंगनघाट शहर की तमाम मस्जिदों के पदाधिकारियों के साथ उप विभागीय कार्यालय में भारतीय सरकार, महाराष्ट्र सरकार के नाम से एक निवेदन दिया है कि भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और भाजपा आईटी सेल के दिल्ली प्रमुख नवीन जिंदल, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर गुनाह दर्ज किया जाए, जो कि थोड़ी देर पहले हमने हिंगनघाट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ़ में रिपोर्ट दी है और हमारी मांग वहाँ पर भी यही है कि तुरंत इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये दोनों के चलते पूरा देश और देश की आर्थिक इकोनॉमी खराब हो चुकी है और इसकी वसूली भी इन दोनों से ही की जाए। भाजपा ने, मेरा स्पष्ट आरोप है कि भाजपा ने इनको अपने पार्टी से निष्कासित किया है, इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हिंगनघाट से कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि एनोरकर।